हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राखीज किचन। और कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको एक पराठा बनाना सिखाऊंगी जिसका नाम है लच्छा पराठा, जो कि गेहूं के आटे से बनेगा। मैंने उसके लिए आटा पहले से ही गूंद के रख लिया है, ये डो तैयार कर लिया है। हमें सूखा आटा चाहिए थोड़ा सा पलोथन के लिए। मैंने एक चम्मच अजवाइन ले ली है, नमक स्वाद अनुसार और देसी घी। एक तरफ मैं तवा गरम करने के लिए रख देती हूँ, हमारा तवा गरम होगा, दूसरी तरफ हम पराठा बेल लेंगे। अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। आटा लेंगे, ये एक ऐसा पराठा है जो कि आपका पेट भर देगा अच्छे से। इसे आप चटनी के साथ खा सकते हैं, सब्जी के साथ खा सकते हैं। इसे हम इस तरीके से गोल बेल लेंगे एक फुलके की तरह, और आटा ज्यादा टाइट नहीं गूंदना है, नरम ही गूंदना है जैसे नॉर्मली आप गूंदते हैं। अब इसमें पूरे पे मैं देसी घी लगा दूंगी, अच्छे से लगाएंगे, इसकी लेयरिंग अच्छी होगी अगर हम घी ढंग से लगाएंगे तो। सारी तरफ लगा दिया है मैंने घी, देखिए पूरा चिकना हो चुका है हमारा। अब नमक स्वाद अनुसार और अजवाइन थोड़ी सी ऐसे बुरक लेंगे, और इसको मैं अपने हाथों से मिक्स कर लूंगी। अब इसको मैं पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लूंगी इस तरीके से, देखिए ज्यादा मोटी मोटी नहीं रखनी है ऐसे, क्योंकि हमें एक के ऊपर एक लेयरिंग करनी है इसकी। अब हम एक एक स्ट्रिप उठाते चले जाएंगे और एक के ऊपर एक ऐसे रखते चले जाएंगे, देखिए आराम से उठाना है और इसकी इस तरीके से हमें लेयरिंग करते चले जाना है। जितनी ज्यादा लेयरिंग होगी उतने उसमें लच्छे आएंगे, देखिए कितनी शानदार लेयरिंग हुई है। अब इसे हम तीन से चार भाग में काट लेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और प्रेस कर देंगे इस तरीके से। फिर इसको उठाएंगे पीस को और इसे रख देंगे इस तरीके से और प्रेस कर देंगे, देखिए प्लस साइन बन गया। अब फिर इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे इस तरीके से, ऐसे हमें तैयार कर लेना है। एक तरफ तवा गरम हो चुका है, दूसरी तरफ हम पराठे को बेल लेंगे इस तरीके से। आप उठा, अगर आप नहीं उठा पा रहे हैं ऐसे तो आप इसे चकले को गोल घुमा के भी बेल सकते हैं इस तरीके से। ऐसे हमने पराठा बेल लिया है, अब मैं इसे तवे पे डाल दूंगी उठाकर इस तरीके से, देखिए इसके सिकते ही मैं इसे पलट लूंगी और घी लगा लूंगी। हम दूसरी तरफ इसे पलट लेंगे, इस तरफ से सिक गया है, अब हम घी लगा देंगे इस पे, ऐसे किनारों से लगाना शुरू करेंगे तो वो सेंटर में अपने आप चला जाता है घी। अब इसे मैं पलट दूंगी धीमी आंच पे, इसको हल्का हल्का सेकेंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पे भी दूसरी तरफ भी घी लगा देंगे। ये पराठा बच्चों के लिए बहुत ही सॉफ्ट है होता है तो वो बड़े मजे में खाते हैं इस पराठे को। अब ये मेरा पराठा अच्छे से सिक चुका है, अब इसे मैं कपड़े पे रख के इस तरीके से दबा दूंगी, देखिए कितना शानदार बना है ये पराठा। देखिए हमारा लच्छा पराठा बनके तैयार हो चुका है, इस पे मैंने बटर डाल दिया है, देखिए कैसे लेयरिंग आई है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से सारी तरफ से इसकी लेयरिंग आई है, बहुत अच्छी बढ़िया। जितना घी आप लगाएंगे उतनी लेयरिंग इसमें आएगी। आप इसे अचार के साथ, चटनी के साथ, किसी भी सब्जी के साथ या खाली पराठा और चाय भी
खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्लीज जरूर दबाइए कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले दिखे, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे लिख के भेजिए। थैंक यू।